गर्दन यानी गले या फिर नेक पर अगर तिल हो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाती है या फिर लक भी सपोर्ट करता है। जैसे मैं आपको हर बार वीडियो बना के बता रही हूँ कि सिर पर तिल हो, माथे पर तिल हो, गले पे तिल हो, आंख पे तिल हो, गाल पे तिल हो तो क्या मतलब बनता है। आज गले की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यानी गले के अगर साइड में तिल है, दाएं साइड में, बाएं साइड में, ऊपर नीचे बीच में, तो आज सारी चीजें कवर करेंगे। आज गले पर तिल होने के बारे में बताएंगे और गारंटी देती हूँ किसी फ्रेंड के आप गले पर तिल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसका नेचर कैसा है, वो किस तरीका का इंसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गर्दन पर तिल जो है किन लोगों के होता है। समुद्र शास्त्र में ऋषि समुद्र ने गले पर तिल होने के अर्थ के बारे में गहराई से बताया है। गले पर तिल वाला इंसान जो है बहुत ही ऐशो आराम वाली लाइफ को पसंद करता है, मित्रों का जमावड़ा होता है, यानी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत लॉयल फ्रेंड्स होते हैं। गले के अगर आगे की तरफ तिल होता है तो ऐसा इंसान बहुत कर्मठ होता है। गर्दन पर तिल जिन लोगों के होता है उनकी आवाज़ जो कहते हैं बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी बोली होती है। कई बार तो इनकी मधुर आवाज़ से, इनकी अच्छी बोली से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर म्यूज़िक की तरफ जाते हैं तो बहुत ही नाम कमाते हैं, बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। अगर गले के ऊपरी हिस्से पर आपको तिल दिखता है तो अब बताती हूँ उसका मतलब क्या होता है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी के सभी फैसलों के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूँ ले लेते हैं, माइंड बहुत शार्प होता है। ये लोग प्लानिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि ये लोग बहुत ही आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं, इन्हें हर जगह अपनी कलात्मकता को दर्शाने की इच्छा होती है। अब बात करते हैं अगर गर्दन की पीछे की तरफ तिल हो तो उसका क्या मतलब बनता है। ऐसे इंसान को रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। ऐसे लोग हमेशा पेन में रहते हैं और इस कारण से उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। मेहनती बहुत होते हैं, साहसी भी होते हैं। इन्हें अपने लाइफ में देश के लिए कुछ करने की इच्छा रहती है, यानी आप देखेंगे आर्मी वगैरह सेक्टर में या जो है कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर गर्दन के गले के निचले हिस्से पर तिल होता है इसका मतलब क्या बनता है। ऐसे लोग कामुक माने जाते हैं, इन लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इन्हें छोटी उम्र में ही अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है और उनके कई अफेयर्स भी होते हैं। अब बात करते हैं गले के दाहिनी ओर तिल होता है तो इसका क्या मतलब बनता है। ऐसे लोग बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, इनसे बच के रहने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग खुद को भीड़ में भी अकेला पाते हैं, यानी इनको अकेले रहने का शौक होता है। इन लोगों की ख्वाहिश होती है कि लोग इनसे मिले और उनकी परवाह करें। अब बात करते हैं गले की बाईं ओर तिल हो तो उसका क्या मतलब बनता है। जिन लोगों के गले के बाहिनी ओर तिल होता है ये लोग बहुत ही लॉजिकल होते हैं। ये लोग जो है कामयाबी पाने के लिए बुरे लोगों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। अब बात करते हैं गले के बीच में तिल हो इसका क्या मतलब बनता है। जिन लोगों के गले के बीच में तिल होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को उनके भोले मन के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोगों को हमेशा किसी इंसान से जो है भावनात्मक सहारा चाहिए होता है, यानी इमोशनल सपोर्ट। इन्हें अपने फ्रेंड्स के रूप में ऐसे लोगों की चाहत होती है जो ज़्यादा बात नहीं करते हों और हर समय अपनी समझदारी का परिचय दें, यानी स्मार्ट लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। तो मैंने आज इस छोटी सी वीडियो में आपको इस छोटे से गर्दन के बारे में सारी जानकारी दी, यानी इस छोटे से गर्दन पे बाईं ओर अगर तिल हो तो क्या मतलब बनता है, दाईं ओर तिल हो तो क्या मतलब बनता है, ऊपर नीचे बीच में पीछे सारा कवर किया है। कुछ मिस हो गया या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो घबराइए मत, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सवाल को लिख दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको आपके सवाल का जो भी जवाब होगा वो दे देंगे, यानी आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी, क्योंकि ये मोल के सीरीज हम लेकर आए हैं। मोल मीनिंग यानी कि बॉडी पार्ट पे कहां कहां तिल होता है तो उसका क्या क्या मतलब बनता है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे कि तिल से क्या जानते हैं। तो अपने सवाल जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में जाके और मुझे ये भी बताइए कि अगले किस बॉडी पार्ट पर आप तिल के बारे में जानकारी चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और खुद भी जो है इस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए धर्मालाई। नमस्कार।